केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। उज्जैन में 12 साल की बच्ची से दरिंदगी हुई, 2.5 घंटे बच्ची भटकती रही, नहीं कोई मदद मिल पाई। महाकाल की नगरी उज्जैन से समाज को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। शहर में महाकाल थाना क्षेत्र के मुरलीपुरा से दुष्कर्म पीड़ित एक नाबालिग बच्ची बेसुध हालत में मिली। बच्ची बड़ी मुश्किल से बोल पा रही थी, उसके कपड़े से खून टपक रहा था। बताया गया कि उज्जैन के सांवरा खेड़ी कॉलोनी में बच्ची खून से सनी 2.5 घंटे तक सड़क पर भटकती रही, लेकिन कोई शख्स उसकी मदद को आगे नहीं आया। तो वहीं बच्ची ने कॉलोनी के एक घर के बाहर खड़े युवक से मदद भी मांगी, लेकिन युवक ने मदद नहीं की। तो वहीं आपको बता दें कि महाकाल थाना पुलिस को बच्ची को जो फुटेज मिली है, उसमें वह अर्धनग्न अवस्था में सड़क पर मदद मांगती नजर आ रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, आरोपियों की तलाश में जुटी हुई वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए चरक अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां हालत गंभीर होने के बाद उसे डॉक्टर ने इंदौर रेफर कर दिया है। तो वहीं जानकारी के मुताबिक बच्ची की हालत में सुधार नहीं होने पर पुलिस कर्मियों में अपना खून देकर मदद भी की है, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट्स को अधिक नुकसान पहुंचने के कारण खून बहुत बह चुका था। वहीं उज्जैन SP इस पूरे मामले में SIT गठित की है। दुष्कर्म के बाद बच्ची ने कुछ लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इस पूरी घटना का CCTV वीडियो भी सामने आ चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि डॉक्टरों के मुताबिक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है। तो वहीं ज्यादा खून बह जाने से बच्ची की हालत गंभीर है, इंदौर के अस्पताल में उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। यह घटना सोमवार को बताई जा रही थी। बच्ची उज्जैन के बड़नगर रोड पर स्थित दांडी आश्रम के पास शाम के समय घायल अवस्था में मिली थी। बच्ची के कपड़े खून से लथपथ थे। महाकाल थाना पुलिस ने बच्ची को चरक अस्पताल में फौरन भर्ती कराया था, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों द्वारा उसे इंदौर में रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान पुलिस को बच्ची के साथ रेप की पुष्टि की घटना की जानकारी दी है। धीरे धीरे बच्ची की हालत में सुधार आ रहा है। वहीं पुलिस भी CCTV भी मदद से अज्ञात आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।